प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं भूमि सर्वेक्षण के परिभाषा और उसके अंतर्गत आने वाले विषय, जो कि अध्याय 2 में आप लोगों को जानना है। तो इसमें जो भी कंटेंट था वो ऑलरेडी मैंने जो है पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। आज उसी तमाम पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विशेष सर्वेक्षण अंतर्गत मानचित्र निर्माण का संदर्भ पृष्ठभूमि प्रयुक्त तकनीक। बिहार सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011, संशोधित अधिनियम 2017 एवं नियमावली 2012, जो कि संशोधित किया गया नियमावली 2019 के आलोक में पूरे बिहार राज्य में जो है किए जाने वाले विशेष सर्वेक्षण आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर आधारित है। इसी कारण यह पूर्व में किए गए सभी सर्वेक्षणों के पूर्णतया भिन्न होगा। मतलब जो पहले ऑलरेडी जो आपका सर्वे किया गया था उससे ये अलग होगा। अलग होने का रीज़न ये है कि इसमें आधुनिक यानी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जा रहा है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके ये जो है आपका किया जा रहा है। बिहार के समस्त जोत आबाद करने वाले कृषि भूमि का प्रथम सर्वेक्षण पहली बार 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में प्रारंभ होकर 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक किया गया, जो कैडेस्टल और रिविजनल सर्वेक्षण कहलाया है ना। उसमें जो किया गया वो कैडेस्टल या आपका रिविजनल सर्वे किया गया था। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात रैतों के स्वामित्व एवं भूखंडों की भौगोलिक स्थिति में हुए परिवर्तनों को देखते हुए रिविजनल सर्वे की प्रक्रिया अपनाई गई। रिविजनल सर्वे वास्तव में कोई सर्वे ना होकर विगत सर्वे अर्थात कैडेस्ट्रल सर्वे का पूर्ण निरीक्षण या रिवीजन था। मतलब जो ऑलरेडी सर्वे हो चुका है उसको एक बार फिर से चेक करना कि जो मैंने सर्वे किया है क्या वो सर्वे हमारा सही है या फिर वो सर्वे हमारा सही नहीं है। तो वो बस चेक करने की जो प्रोसेस है उसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, रिविजनल सर्वे कहते हैं। इस प्रशिक्षण में जो सर्वेक्षण है ना, मतलब जो ट्रेनिंग आपको मिलेगा उसमें सिंपली यही है कि जो सर्वे का काम आप कर रहे हैं वो किस तकनीक से कर रहे हैं और सर्वे का जो काम है प्रोसेस के लिए अपनाया जाए, ताकि नियम जो है कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण की भांति बिहार कष्टकारी अधिनियम 1885 के धारा 1 से 115A तक प्रावधानों तथा बिहार सर्वे एवं सेटलमेंट मैनुअल 1959 के प्रावधानों से निर्देशित थे। मानचित्र निर्माण के अत्यंत जटिल प्रक्रिया तथा रैतों के साथ सर्वेक्षण पश्चात होने वाली बंदोबस्ती का जटिल प्रक्रिया का कारण रिविजनल सर्वे के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में दिक्कत हुई है। अतः बिहार के अधिकांश भागों में रिविजनल सर्वे को सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सका। कई सारे सर्वे किए गए है ना, सर्वे करने के बाद जब देखा गया तो ये पाया गया कि भाई हमारा जो सर्वे हुआ उसमें कई सारी चीज़ें है ना, सर्वे में कई सारी चीज़ें जो है अलग अलग जिलों में है ना, रिविजनल सर्वे प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाया। उसका कई सारे रीजंस थे, प्रॉपर तरीके से उसको बंदोबस्ती ना करना या फिर एक जटिल प्रक्रिया होने के कारण से ये नहीं हो पाया। इसलिए जो है नए टेक्नोलॉजीज के साथ जो सर्वे है वो अपना किया जा रहा है। कैडेस्ट्रल एवं रिविजनल सर्वेक्षण के पूर्णतया मानवीय तकनीकी आधारित मानचित्र
मान का प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 जो कि संशोधित किया गया था 2017 में और नियमावली 2019 में संशोधित किया गया था में निहित प्रावधानों के आलोक में विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई तथा बिहार कष्टकारी अधिनियम के धारा 101 से 115 ए तक के सर्वेक्षण प्रावधानों को रिपील कर दिया गया। यह सर्वेक्षण मानचित्र निर्माण के संबंध में पूर्व के सर्वेक्षण से भिन्न है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 के प्रस्तावना के खंडिका 9, 11 और 13 तथा धारा 6 के अनुपालन में आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं तकनीक का पर आधारित जो है ये जो सर्वेक्षण किया जा रहा है वो अपना यहाँ पे है। पूर्व के सर्वेक्षणों कैडेस्टल एवं रिविजनल में जिन दलों का गठन किया जाता था उनमें भूमि नाप से संबंधित कर्मी तथा जमीन में को नापने के लिए अमीन और सर्वे निरीक्षक चेन मैप कानून गो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का प्रावधान होती थी, जबकि विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में यह काम निजी हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है। ये दल संबंधित ग्रामों में शिविर की स्थापना कर नापी की पारंपरिक साधनों या था चेन जरीब आदि की सहायता से भूमि का माप कर उसका मानचित्र तैयार करते थे। इस पूरी प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर करने एवं विभिन्न बिंदुओं पर मार्गदर्शन देने के लिए जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा रिविजनल सर्वे के समय 3 खंडों में विकृत तकनीकी मार्गदर्शिका, 2 खंड ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए और 1 खंड जो है नगर पालिका क्षेत्र के लिए प्रकाशित की गई थी। इस मार्गदर्शिका में भूमि माप के समस्त प्रक्रिया साधन संलग्न कर्मियों का अधिकार और कर्तव्य प्रशासनिक व्यवस्था इत्यादि के विशद व्याख्या की गई थी। पूर्णतया मानवीय तकनीक आधारित मानचित्र निर्माण की इस प्रक्रिया में मानचित्र की शुद्धता के उच्च स्तर को जो है प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होती थी। मानचित्र की शुद्धता इस बात पर भी निर्भर थी कि मानचित्र निर्माण में संलग्न मानव बल के ज्ञान का स्तर क्या था। इस सर्वेक्षण में पर्याप्त मानव बल उपलब्ध रहने की स्थिति में किसी एक राजस्व ग्राम का मानचित्र तैयार करने में औसतन 2 से 3 वर्षों का समय लगता था। कुल मिलाकर विगत सर्वेक्षण में मानचित्र निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत दीर्घसूत्री सिलस्ट श्रम साध्य एवं अधिकतम खर्चीला थी, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च जो है उसमें आता था। और यही सर्वेक्षण प्रक्रिया का पूर्ण सफलता से बड़ी बाधा थी, मतलब पूरी अच्छे तरीके से लागू करना भी एक जो है बाधा था। इसलिए जो है वर्तमान में प्रौद्योगिकी क्रांति के पश्चात आधुनिक तकनीक और साधनों यथा उच्च समृद्धियुक्त विशिष्ट कैमरों हवाई जहाज कंप्यूटर इत्यादि की सहायता से किसी स्थल ग्राम विशिष्ट स्थान इत्यादि का हूबहू प्रतिकृति कम समय में तैयार कर पाना संभव हो गया है। मानचित्र निर्माण के लिए प्रयुक्त आधुनिक प्रौद्योगिकी के विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, यह तकनीक पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति और प्रमाणित आंकड़ों पर आधारित है। यह तकनीक पृथ्वी के धरातल के प्रत्येक बिंदु
के स्थानिक निर्देशांक जो अज्ञांश और देशांतर अक्षांश और देशांतर को माप कर जो है पर आधारित है। दूसरा कि आधुनिक तकनीक के मानचित्र निर्माण हेतु आधुनिक साधनों जैसे हवाई जहाज, कैमरा, कंप्यूटर, ETS, DGPS इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इससे सर्वेक्षण कार्य में होने वाला खर्च, समय और मानव बल का अधिकतम बचत होता है। तीसरा, आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित मानचित्र निर्माण की तकनीकी में शुद्धता के उच्च स्तर को पर्याप्त कर पाना संभव हो पाया है। तीसरा, आधुनिक तकनीक से निर्मित मानचित्रों के डिजिटल स्वर प्रारूप तैयार किया जाने का कारण इस संरक्षण, प्रकाशन, संशोधन और अद्यतीकरण करना अत्यंत सरल हो गया है एवं भू अधिकार अभिलेखों के साथ जो है खेसरावार मानचित्रों का समन्वय टेक्सचुअल एंड स्पेशियल इंटीग्रेशन कर पाना संभव हो पाया है। उसके बाद पांचवा हमारा दिया गया है, आधुनिक तकनीक से निर्मित मानचित्रों से पूरे विश्व में प्रचलित GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित सेवाएं प्राप्त कर पाना अत्यंत सुगम हो गया है। अर्थात इस तकनीक में भूखंडों के भौतिक विवरणों के अनुसार मानचित्र को जो है डिजिटली कई लेयरों में जो है विभक्त कर दिया जाता है और भूखंड से जो है संबंधित किसी भी एक भौतिक विवरणी के समस्त जानकारी भौगोलिक विस्तार के तुरंत प्राप्त की जा सकती है। ये चीज़ें जो है आपका मतलब पॉइंट जो है दिए गए हैं कि क्या मतलब आधुनिक प्रौद्योगिकी के विशेषताएं हैं, वो पांच पॉइंट में यहाँ पे जो है आपका दिया गया है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ और भी आगे शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियोस में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।